अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग मी ऑन माई YouTube चैनल मिस्टर टॉक। और आज के इस वीडियो में बेसिकली ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। आज से मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाना शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि जो होती हैं टेक्नोलॉजी के टूल्स जो होते हैं, कि MS Word हो गया, MS Excel हो गया, MS PowerPoint हो गया, और भी बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, और जो लोग थंबनेल्स बनाते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर मैं रिव्यूज़ भी दूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा कितनी बेनिफिट है ये। और मेरे साथ इन सब वीडियोज़ में साथ देंगे एज अ कंटेंडर भी कह सकते हैं या ऑडियंस भी कह सकते हैं, मिस्टर रोशान अली। तो रोशान, अपना वेब कैमरा खोलें प्लीज। हेलो, हाँ गुड, सो रोशान इज विद अस। हेलो रोशान। हेलो। तो आप जो हुए हैं इस वीडियो में हमारे साथ होंगे गाइस, ओके जी। कोई भी चीज समझना है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपके थ्रू जो और लोग हैं, यानी कि अगर किसी को कोई डाउट होगा वीडियो के बीच में तो वहीं क्लियर हो जाए, सही है। पर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप लोगों को व्यूअर्स, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो सही है। तो आप रोशान रेडी हैं? ओके डन। आवाज़ नहीं आई आपकी? यस यस। ओके सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में, कि हम उसे बहुत सारी चीज़ें किस तरह बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके फंक्शन सब कुछ हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको भी कोई चीज़ मतलब पूछनी हो रोशान, तो आप उसके पीछे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सही है। तो काइंडली अपना वेब कैमरा और माइक दोनों बंद कर दें। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज़, आप देख सकते हैं ये जो है पूरी की पूरी जो है वर्ड की आपको प्रीफेस नज़र आ रहा होगा वर्ड का पूरा। सो गाइज, ये जो आप देख सकते हैं ऊपर जो है बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं, यानी कि होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये रेफरेंस है, ये मेलिंग है, रिव्यू और व्यू। गाइज, इस सब का हम डिस्क्रिप्शन तो मैं नहीं दे सकूँगा, मतलब ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इन सबको कि किस तरह कर सकते हैं। ये आपको वाइड स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को, वाइड स्क्रीन, इसके ऊपर बेसिकली हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम मिस्टर टॉक। ओके गाइस, ये हमने टाइप किया मिस्टर टॉक। सो गाइस, इसको हम किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया हमने, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। कट करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, और कहीं भी हमें अगर चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। थर्डली, इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट इसका अगर बदलना हो तो बहुत सारे फॉन्ट्स भी हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि कैलब्रिक बॉडी, कैलब्रिक हेडिंग, मतलब बहुत सारे फॉन्ट्स हैं कि आप किसी भी स्टाइल में इसको लिख सकते हैं, सही है गाइज। द नेक्स्ट थिंग इज़ गाइज, कि हमारे पास पैराग्राफिंग है। हम लोग अगर हमें कोई आप ऐसे लिख रहे हैं, आप कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रीहेंशन लिख रहे हैं अगर आप, तो आप इसको पैराग्राफिंग भी कर सकते हैं, सही है। बुलेट्स हैं, बुलेट हमारे पास, ये बुलेट्स हैं, अगर हमें बुलेट देनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली बुलेट देता हूँ, तो इस तरह टेक्स्ट में जो है हमारी बुलेट ऐड हो जाएगी। सेकंडली गाइस, हाइपरलिंक और सिनोनिम। सिनोनिम बेसिकली आपका जो वर्ड होता है, वर्ड से और मज़ीद आप कौन से वर्ड्स डिस्कवर कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर्स के अंदर, आपके पीसी के अंदर पहले से ऑप्शन होता है, ये थेशर के नाम से ऑप्शन होता है गाइस, तो आप उस पर ईजिली आप उसमें सिनोनिम्स ढूंढ सकते हैं। सो गाइस, आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं, बी फॉर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सेकंड के ऊपर गाइस, यहाँ पे डबल अंडरलाइनिंग, और या बहुत सारे अंडरलाइंस के बहुत सारे डिज़ाइंस, यानी कि इस किस्म के अंडरलाइन आप कर सकते हैं, आप डॉटेड डैशेस डाल सकते हैं, आप मतलब बहुत सारे डिज़ाइन आप देख सकते हैं गाइस। सेकंडली हमारे पास ये आ गए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे हमारे पास फॉन्ट्स हैं, अपने टेक्स्ट को हम किसी भी किस्म का फॉन्ट, किसी किस्म का डिज़ाइन दे सकते हैं। सेकंडली ये यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं, हम यहाँ पर जो बेसिकली अपने टेक्स्ट को किसी किस्म का नंबर भी दे सकते हैं, यानी कि कितना हमें बड़ा करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और मेरा फेवरेट जो है कैलब्रिक हेडिंग है, तो इसको मैंने ये दे दिया। मैंने अपना टेक्स्ट बड़ा करना है, तो मैंने 72 जैसे ये तो इतना बड़ा हो गया, और 36 हो गया। तो गाइस, इस तरह आप अपने टेक्स्ट बड़े भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमें अपने टेक्स्ट को बीच में करना है तो इस तरह बीच हो गया, अगर हमें आप उसको राइट साइड में करना है तो ये राइट साइड हो गया, और अगर हमें वापस अपने टेक्स्ट को बीच में लाना तो अभी हम बीच में ले आएँ, और अगर वापस हमें अपने टेक्स्ट को जैसे जैसे पहले से था वैसे करना है तो हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको लेफ्ट पर ले आए। सेकंडली गाइस, अब ये देखिए, ये हमने बुलेट्स दिए हैं, यहाँ बहुत सारे बुलेट्स हैं, ये देखिए बहुत सारे बुलेट्स चेंज होते जा रहे हैं। ओके, ये नंबर्स हैं, अगर हम चाहें तो इसको नंबर्स भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ पर हैं, ये देखिए यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लिस्ट बना रहे हैं और आप बार बार नहीं दे चाहते बुलेट्स, आप बार बार बुलेट्स नहीं देना चाह रहे, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, जैसे नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही देता रहेगा, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे ये गाइस, ये बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब थीम कलर है, यानी कि कोई भी हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं इसको पूरे इस लाइन को गाइस। ओके, द थिंग इज दैट गाइस, ये देखिए ये हाईलाइटर है, ये से हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, ये देखें या टेक्स्ट हाईलाइट हो गया, हमें कलर चेंज करना है, हमने कलर सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया,
ये चेंज हो गया। हमने अगर अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, लिखना हमें टेक्स्ट को दूसरे कलर से है, तो आप इसको हमने सेलेक्ट किया, हमने कोई भी कलर से कलर से, जैसे ये ब्लू हो गया, ये ब्लू कर दिया हमने इसको, हमने इसको येलो कर दिया, हमने इसको रेड कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड थिंग गाइज, हम यहाँ पे स्टाइल भी दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कलर्स दे सकते हैं हम, कोई भी कलर दे दिया इस तरह, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने कलर में इसको हमने ये कलर दे दिया टाइप थिंग्स। हमें फॉन्ट्स भी हैं कैलब्रेक और ये सारे फॉन्ट्स हमारे पास हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। सो गाइज, ये जितने भी ऑप्शंस थे, जो मतलब मेन मेन ऑप्शंस हैं, ये सारे हमारे एमएस वर्ड के ऊपर हैं। रुशान, आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, पर आप स्क्रीन तो शेयर कर रहे हैं। तुम्हें इसकी नजर नहीं आई थी देर से यार, हैं? नहीं सर। अरे तो बोलो तो सही, तुम्हें स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। एक मिनट सर, आप के बीच में आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता यार, तुम्हें पूरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही और तुम होके वैसे बैठे हुए हो। अब नजर आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। अरे तो बोलो तो सही, तुम्हें स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो तुम्हें समझ तो मतलब सुन तो लिया ना, तुम्हारी दोबारा रिकैप दूं? जी जी सर, सुन लिया मैंने, बस और कुछ नहीं। अच्छा, फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, क्योंकि तुम्हारे जरिए से ही तमाम जो व्यूअर्स हैं वो क्या पता उनके दिमाग में जो क्वेश्चन हो तुम पूछ लो, तो क्वेश्चन करते रहना बीच बीच में, सही है ना? सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है। अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट क्लिक करके कट किया, तो गाइस यहीं दोबारा लेफ्ट क्लिक करके हम पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम इस पर क्लिक करके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट और पेस्ट के बेसिक से टर्म्स हैं। सेकेंडली गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, और अब हमारे पास मौजूद है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे गाइस, आप कोई भी कवर पेज बनाने के लिए, कवर पेज के बहुत सारे स्टाइल आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टाइल है कवर पेज बनाने के, यानी कि कोई भी आप जर्नल का कवर पेज बना रहे हैं या किसी किस्म का कवर पेज बना रहे हैं अपने असाइनमेंट का, तो आप यहाँ इजीली बना सकते हैं। सेकंडली, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है। पेज ब्रेक पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारा जो पेज है बीच में से ब्रेक हो जाएगा। गाइस देखें, ये अब दो पेजेस बन गए, ये एक था अब दो हो गए, ठीक है? सो गाइस, ये है हमारे पास टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, आपको बहुत सारे मतलब फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं या फिर पाए चार्ट्स कह लें, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम क्लिक करेंगे। सो गाइस, अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करनी होती है मैं कितने रॉस चाहिए, ये हो गई एक, सही है? एक मिनट, मैं इसको पढ़ लूँ। ये एक बॉक्स हो गया, ये दो, ये तीन। सो गाइस, ये है हमारी कॉलम्स और ये हैं हमारे रॉस। अगर हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद हमें इसको क्लिक करना है। सो गाइस, इस तरह ये पूरा हमारे पास ग्रिड बनकर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा पूरा बन गया टेबल। अच्छा, इसको हम मिटाएंगे कैसे? इस टेबल पे हमें डबल क्लिक करना है, तो इस तरह हमारा ये डिज़ाइन टैब खुल जाएगा। डिज़ाइन टैब पे हम क्लिक करके, इरेजर है हमारे पास ऑप्शन, इरेजर पे गए और हमें जो भी मिटाना है हम इसको सेलेक्ट करके मिटा दें, या फिर हमें कोई रॉ मिटानी है तो हम इस तरह रॉ मिटा सकते हैं। सेकेंडली गाइस, और एक और चीज़, अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई पिक्चर इंस्टॉल है या डाउनलोड है, तो गाइस इस तरह पिक्चर पर क्लिक करके डबल क्लिक करना है पिक्चर्स के ऊपर। ओके गाइस, पिक्चर्स पर क्लिक करके, जैसे सैम्पल पिक्चर्स ले लेते हैं हम, डबल क्लिक किया तो ये कुछ सैम्पल पिक्चर्स, जैसे कि मैं पेंगुइन की पिक्चर्स ले लूँ, तो डबल क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी इस तरह पिक्चर आ जाएगी। सो गाइस, ये तो मैंने टेबल के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर दी है, मैं आपको टेबल के बाहर भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं यहाँ ले आया हूँ, इंसर्ट टैब पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया, पेंगुइन वाली पिक्चर पे सेलेक्ट की और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ये पेंगुइन की पिक्चर आ गई। अच्छा, अब इस पिक्चर को किस तरह हम मतलब एडिट कर सकते हैं, ये बहुत सारे डिज़ाइन है, बहुत सारे फ्रेम्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे फ्रेम है। इसको मैं चाहूँ सर्कल में क्लिक करके सर्कल में कर लूँ, इसको मैं चाहूँ इस ऐसे डिज़ाइन में कर लूँ, तो बहुत सारे गाइस यहाँ पूरे डिज़ाइन दिए गए हैं, ये देखें पूरे नीचे तक डिज़ाइन है ये सारे। सेकेंडली गाइस, लेफ्ट साइड पे ब्राइटनेस, इस कलर इसकी मैं ब्राइटनेस डल भी कर सकता हूँ, इसको मैं ज़्यादा ब्राइट भी कर सकता हूँ, जैसे कि देखें +40 किया तो ये इतनी ये ब्राइट हो गई है। जैसे कि अगर आपको डल पिक्चर मिलती है तो उसको ब्राइट करने के लिए आप इस तरह ब्राइट फीचर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रास्ट का है कि ये बहुत सारे कंट्रास्ट हैं, यहाँ को डार्क करना है तो डार्क कर लें, यहाँ को लाइट कंट्रास्ट करना है तो लाइट यहाँ पे दिए गए हैं। सेकेंडली रीकलर, इंसर्ट टैब नहीं है, रीकलर पे गए तो कोई भी हम उसको दोबारा से कलर दे सकते हैं। गाइस देखें, ये ब्लैक हो गई, ये हमारी गोल्डन हो गई, तो इस तरह रीकलर भी हो सकता है। कॉम्प्रेस पिक्चर का मतलब है कि हमें पिक्चर को कॉम्प्रेस करना है, यानी कि इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये हमने इसको कॉम्प्रेस कर दिया और ये पिक्चर छोटी हो गई गाइस, देखा? अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग,
चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर पर अगर क्लिक करेंगे तो ऑफकोर्स हम इसकी जगह कोई और पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर यानी कि पिक्चर ख़त्म, डिलीट, सही है। सेकेंडली गाइज हमारे पास पिक्चर शेप्स हैं, यानी कि अगर हम पिक्चर को दोबारा रीडू करें तो पिक्चर दोबारा से आ जाएगी। और इसको हम कोई शेप दे सकते हैं, यानी कि इसको हम दे दें कोई सर्कल शेप दे दें, हैं तो ये सर्कल शेप में आ गई। इस तरह का इस पेज ये पिक्चर बॉर्डर, यानी कि इस पिक्चर को बॉर्डर पर कलर देना है, तो मैं देखता हूँ ग्रीन कलर देके दिखाता हूँ आप लोगों को गाइस, देखें ग्रीन कलर हो गया। इस तरह ये पिक्चर को हम बॉर्डर भी दे सकते हैं गाइस। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत वास्ट है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स, आप एसेज बना सकते हैं, स्पीचेस बना सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी CVs, लेटर्स और जो भी चीज़ आपको बनानी है आप सब लोग फ्रीली बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इंसर्ट टैब पे गाइस ये देखें, यहाँ पे पिक्चर पे दोबारा क्लिक किया, ओके। सो गाइस पिक्चर अफेक्ट, इस पर क्लिक करके हम इसको शेडोज़ बहुत सारे देखें, पिक्चर के बहुत सारे शेडोज़ आ गए, सही है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर बहुत सारी रिफ्लेक्शन आ गई पिक्चर की। अगर हमें इसको ग्लो करना है तो देखिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप देख रहे हैं येलो कलर ग्लो, इस पर मैंने क्लिक किया, ये पिक्चर हमारी हो जाएगी ग्लो। ये देखिए गाइस साइड पे ग्लो कलर आ गया येलो कलर की बाउंड्री, यानी पिक्चर ग्लो कर रही है। तो इस तरह गाइस बहुत सारे पिक्चर अफेक्ट्स हैं, 3D अफेक्ट्स भी हैं, यानी कि मैं आपको देख के दिखाऊँ, ये वाला अफेक्ट देख के दिखाता हूँ। ये देखें पिक्चर हो गई 3D, यानी 3D, ओके गाइस। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप का, आप चाहें तो पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर को मैंने क्रॉप करा, ये देखें इसको मैंने क्रॉप करना है, मैं छोटा कर दिया इस पिक्चर को मैंने, मतलब ये देखें इसको छोटा इतना सा छोटा सा कर दिया, बड़ा कर लिया, यानी कि क्रॉप भी आप इजीली कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा पेज लेआउट टैब का सब कुछ, सही है। इंसर्ट टैब आपने देख लिया, यहाँ से हम शेप कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, यानी क्लिक किया कोई भी शेप ड्रॉ कर ली इस तरह, फिर शेप के पास हम लोग उसको कलर कर सकते हैं, रीकलर कर सकते हैं, ये सारे कलर्स आ गए शेप को कलर करने के लिए। यहाँ पे हम एक और शेप बना सकते हैं, ये फॉर्मेट टैब का है सब कुछ गाइस, सही है। अच्छा हम इसको इस शेप को हम ये शेडो अफेक्ट दे सकते हैं, सही है। और यानी कि इसको अगर हमने थोड़ी बड़ी या छोटी करनी है तो यहाँ से हम बड़ी छोटी भी कर सकते हैं साइड से, साइज टैब से हम छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। हमने अगर इसको 3D अफेक्ट्स देने हैं तो 3D अफेक्ट्स कॉलम है, इसमें जाके हम 3D अफेक्ट्स भी दे सकते हैं, ओके। शेडो अफेक्ट्स भी दे सकते हैं इस पिक्चर को हम, इसको हम दोबारा से एक नया शेप भी दे सकते हैं गाइस, देखिए हमने नई शेप हमने सेलेक्ट कर ली, बहुत सारे कलर्स भी हैं शेप के, ओके। नेक्स्ट थिंग इज गाइस पेज लेआउट टैब, अब गाइस आते हैं इस पेज लेआउट टैब पे। पेज लेआउट टैब के देखें बहुत सारे थीम्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारे थीम मैं ये लेके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस देखें ये जो आपको तो पेज है थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा, ये पेज थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये थीम इसकी चेंज हो गई, ये करके देखें हम तो गाइस देखेंगे फिर जो है ये चेंज हो गया है। बेसिकली थीम ऑप्शन हम उस सूरत में मतलब यूज़ कर रहे हैं जब हम कोई चीज़ बना रहे हो, यानी कि कोई असाइनमेंट या फिर कोई भी जर्नल, तब हम ये थीम जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली गाइस मार्जिन, मार्जिन दे सकते हैं हम नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, तो गाइस बहुत सारे हमारे पास मार्जिन भी, यानी नॉर्मल मार्जिन दें इसको करें हम, नॉर्मल मार्जिन दे सकते हैं हम, देखें और चाहें तो इस मार्जिन को ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, ओके गाइस। पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है, यानी कि हमें लैंडस्केप चाहिए लैंडस्केप हो गया, हमें पोर्ट्रेट चाहिए पोर्ट्रेट हो गया, साइज़ हमें कितना रखना है, लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो लेटर का कितना साइज़ होना चाहिए, और आप जो जिस हिसाब से आपको चाहिए A3 का साइज़, A4, A4 स्मॉल, A5, तो यहाँ आपको साइज़ ही मिल जाएंगे आपको। कॉलम्स 2, 1, 2, 3 लेफ्ट राइट, तो बहुत सारे कॉलम्स ही मिल जाएंगे। लाइन नंबर देना है तो आपको कंटिन्यूस देने हैं या रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज, तो गाइस आप अपने पेजेस को नंबर्स भी दे सकते हैं यहाँ से। हाइपरटेंशन, यहाँ से गाइस अपने टेक्स्ट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, अपने लिखे हुए काम को मज़ीद एक्यूरेट, पैराग्राफिंग बिल्कुल क्लियर करने के लिए आप हाइपरटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। रेफरेंसेस हैं हमारे पास, मेलिंग्स हैं, रिव्यू के अंदर हम अपना देखें, अगर हमें कोई स्पेलिंग चेक करनी हो तो हम यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करके स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, हमें कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए ऑप्शन आया है। अच्छा सेकेंडली गाइस हमारे पास ये बलून्स हैं, यानी कि अगर हमें कोई मतलब कोई जैसे होता है थिंकिंग क्लाउड होता है या कुछ इस तरह कुछ हमें बनाना है तो हम थिंकिंग क्लाउड बना सकते हैं, यानी ड्रॉ कर सकते हैं गाइस।
अच्छा नेक्स्ट थिंग व्यू टैब हो गया, व्यू पे हम लोग उसको जूम कर सकते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन को, हम ग्रिड लाइन आ गई, रूलर आ गया, डॉक्यूमेंट मैप आ गए, थंबनेल आ गए, तो ये सब कुछ हो सकता है इन सब चीज़ों से। वापस हटा देता हूँ मैं सबको। वेब लेआउट यानी एक वेबसाइट का लेआउट आ गया आप हमारे पास, आप चाहे तो आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग, ये फुल स्क्रीन हो गई, ओके क्लोज कर दी हमने फुल स्क्रीन को। अच्छा तो गाइस ये था हमारा आज का कुछ शॉर्ट सा, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का मतलब कुछ शॉर्ट सी चीज़ें बताई हैं, और कुछ हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, या कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको मतलब इतना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। काफ़ी मैंने इसको मतलब ब्रीफली समझाया है, डिटेल नहीं है, वो डिटेल में बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। सो गाइस अगर आपको किसी भी किस्म की यानी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई लेटर लिखने में प्रॉब्लम है या कॉम्प्रीहेंशन लिखने में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप कोई भी वर्ड पे काम करते हैं और आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हम ये किस तरह मतलब बनाएं, तो मैं उस पर पूरी वीडियो बना सकता हूं आप लोगों के लिए कि किस तरह हम CVs बना सकते हैं, किस तरह हम लेटर्स लिख सकते हैं इसके ऊपर, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है चीज़ें लिखने के लिए। अच्छा जाते जाते मैं आप लोगों को मैं एक आखिर चीज़ बताता हूँ, बहुत कॉमन सा ऑप्शन है, अगर आपसे कोई काम गलत हो जाए, यानी कि अगर आप कुछ चीज़ टाइप करें, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ मिस्टर टॉक, सही है, यूट्यूब चैनल, सही है, ये मैंने यहाँ टाइप किया, सही है। अब देखें ये है, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट जो नीचे कर दिया ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, और मुझसे कुछ गलत हो गई, तो हम उसको अंडू करके यानी कि हम उसको दोबारा से कर सकते हैं। ऑप्शन कहाँ है, सबसे टॉप पर ये वाला ऑप्शन अंडू टाइपिंग, Ctrl+Z इसका शॉर्टकट है, आप Ctrl+Z से भी इसको वापस जैसा है वैसा कर सकते हैं। या फिर अगर आपने टाइपिंग सही करी है और कोई एरर की वजह से मतलब मैंने इसको यहीं की मतलब मैंने इसको यहाँ लिखा है, चैनल को नेक्स्ट लाइन पर लिखा है, और अगर कोई एरर आ गया, चैनल वापस ऊपर चला गया, तो आप इसको रीडू करके दोबारा से आप कर सकते हैं नीचे। ये है हमारा रीडू ऑप्शन, रिपीट टाइपिंग, Ctrl+Y इसका शॉर्टकट है। सो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं रोशान से पूछ लेता हूँ कि उनको कुछ मतलब समझ में आया नहीं आया, तो रोशान सर समझ आ गया सब कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? नहीं सर सब क्लियर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। पढ़ा कौन रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन कोई इस तरह का नहीं करना? नहीं सर कुछ नहीं। यार सर तो नहीं बोलो यार, कम ऑन यार, मैं लीव, यू वॉन्ट टू लीव? यस, ओके। सो गाइज आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनको मतलब प्रॉब्लम होती है वर्ड पे काम करने के अंदर। और सेकंडली गाइज मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको लाइक करिए, फॉलो कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे होगा तो उसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट को। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, ट्यूटोरियल्स आएंगे, गेम्स व्लॉग्स सब कुछ डालूंगा मैं, सही है सब कुछ, सही है। तो गाइज अगर आप इंजॉय सचमुच की एंटरटेनमेंट चाहते हैं और इंजॉय करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।